जहानाबाद से, जहां पर सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी है। आपको बता दें, जहानाबाद में सड़कों पर छात्र उतरे हैं और काको मोड़ के पास आगजनी की गई है। NH-83 और NH-110 को जाम किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और उसी दौरान की हम आपको तस्वीरों से भी रूबरू करा रहे हैं। जमकर यहाँ पर नारेबाजी छात्रों की ओर से की जा रही है। 4 साल की बहाली से नाराजगी जाहिर की गई है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आगजनी करके यहां पर विरोध जाहिर किया गया। कई शहरों में सड़कों पर युवा उतरे हैं और सेना में बहाली की जो नई योजना है अग्निपथ, उसको लेकर युवाओं का आक्रोश दिखाई दे रहा है। युवाओं में काफी आक्रोश है। तो सेना में बहाली की नई योजना अग्निपथ का ये विरोध किया जा रहा है। छात्र और युवा यहां पर विरोध कर रहे हैं, आगजनी करके ये विरोध जाहिर किया गया। तो जमकर नारेबाजी आप देख सकते हैं यहाँ पर की जा रही है। सेना की ओर से 4 साल के लिए अग्निवीर के तौर पर युवाओं की बहाली की जाएगी और साथ ही बिहार के कई शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए और इस योजना पर विरोध भी जाहिर किया है। तो इस पूरी योजना को लेकर ये विरोध देखने को मिल रहा है। सड़कों पर युवा और छात्र नजर आए तो अग्निपथ पर युवाओं का ये आक्रोश। सेना में बहाली की नई योजना है अग्निपथ, जिसको लेकर युवाओं का ये जो आक्रोश है वो सड़कों पर फूटा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, युवा यहां पर सीधे तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है युवाओं का? देखिए, पूरा मामला अग्निपथ स्कीम से जुड़ा हुआ है, जहां छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। छात्रों का कहना है कि महज 4 साल के अग्निपथ के तहत हम लोग की बहाली होगी, जिसमें हम लोग न देश की सेवा कर पाएंगे न खुद के लिए कुछ कर पाएंगे। इन तमाम बातों को लेकर आज छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा और पटना गया सड़क मार्ग को काको मोड़ के समीप एनएसी राशि को आगजनी कर जाम कर दिया। वहीं पीजी रेलखंड पे भी पैसेंजर ट्रेन को रोककर विरोध प्रदर्शन कर रहे। जी बिल्कुल, उनका यानी कि सीधे तौर पर कहना है कि ये योजना उनके लिए कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा करेगी। मुकेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, फिर से सवाल दोहरा। बिल्कुल मुकेश, यानी कि सीधे तौर पर नई योजना जो अग्निपथ है उसको लेकर युवा ये कह सकते हैं कि युवाओं का यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो है ये योजना उनके लिए मुश्किल भरी है, क्योंकि तमाम जो कोशिशें उन्होंने की है, तमाम जो तैयारियां की है, उसका सीधा फायदा नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल, छात्रों का इसी तरह का आरोप है। इसी तरह के आरोप को लेकर इन लोग सड़क पर उतरे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोग की मांग है कि जब तक हम लोग की सरकार मांगे पूरी नहीं करती है, तब तक हम लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जी बिल्कुल मुकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और साथ ही हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सड़क पर आगजनी की गई है। जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि जो हमने तैयारी की, जो प्रिपरेशन की, लेकिन 4 साल की बहाली, ऐसे में उनका जो नाराजगी है वो सीधे तौर पर दिखाई दिया। ट्रेन को रोक कर भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। तो सेना में बहाली की नई योजना अग्निपथ पर ये विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ ट्रेन को रोककर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो जाम की समस्या है वो नजर आई। यहाँ पर जो युवा थे, जो छात्र थे, जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। आगजनी यहाँ पर की गई है। उनका जो रोष है, आक्रोश है, वो लगातार जारी है। तो सेना में बहाली की नई योजना अग्निपथ पर युवाओं का ये आक्रोश भड़क उठा है। सेना की ओर से 4 साल के लिए अग्निवीर के तौर पर युवाओं की बहाली की जाएगी और बिहार के जो कई शहरों में युवा हैं सड़क पर उतर आए। इसी कड़ी में हम आपको जहानाबाद की तस्वीरों से वाकिफ करा रहे हैं। यहाँ पर भी जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। सेना की अग्निपथ योजना पर विरोध सुलगा। बिहार के कई शहरों में जमकर हुआ बवाल। तस्वीरें दानापुर की हैं। सेना की नई अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी देने के लिए ये आयोजन किया गया। सेना की ओर से 4 साल के लिए अग्निवीर के तौर पर युवाओं की बहाली की जाएगी। अग्निपथ योजना के फायदे बताए गए। उसका मुख्य योजना कि हमारे योद्धाओं को एक दिशा देना, हमारे जो युवा लोग हैं उनको एक दिशा देना, और उस दिशा के तहत अगर वो कुछ पैसे कमा सकते हैं तो वो
जो कि मनी कर ही रहे हैं और उनको तकनीकी शिक्षा मिलेगी, उनको चॉइस मिलेगी और उसके बाद जो है जब वो हमारे समाज में जाएंगे तो समाज में जो है वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें देखिए। सेना की अग्निवीर योजना के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने भगवानपुर चौक पर जाम लगाकर उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा। छात्र सिर्फ 4 साल के लिए बहाली का विरोध कर रहे हैं। मांग है कि हम लोग का रिटर्न एग्जाम कराया जाए और टीएटी वापस लिया जाए। कहां से आए आप? चंपारण से। बेगूसराय में भी छात्रों ने NH 31 पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है महज 4 साल के लिए बहाली की जा रही है जिससे उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। युवा खुश नहीं है। हम लोग को जैसा प्रोसेस था वैसा ही हमको होना चाहिए, ठीक है। और जो एग्जाम बचा है उसका एग्जाम लिया जाए, ठीक है, क्योंकि हम 4 साल के लिए हम जाने के लिए नहीं तैयार है। और भी जरिया है, यहाँ भी रह के हम देश सेवा कर सकते हैं। हाँ, 4 साल के लिए वहाँ जाएंगे, हम दूसरा नौकरी नहीं कर लेंगे जो वहाँ सेना में हम जाएंगे 4 साल के लिए। सरकार से मेरा एक ही गुजारिश है, अविलंब अपने कल द्वारा पारित TOD को निरस्त करें और जल्द से जल्द जिन भाइयों का दौर हो गया है, फिजिकल हो गया है, मेडिकल हो गया है, सबका रिटर्न एग्जाम लें और बहाली पूर्ण तरीके से पहले तरीके से हो। TOD को अविलंब निरस्त करे सरकार। सरकार से यही मांग है कि जो नई सैन्य भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ निकाली है उसमें हमारे जो हम आर्मी की तैयारी करने वाले जो जितने भी लड़के हैं वो चाह रहे, वो इस चीज़ से सहमत नहीं है। वो पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू की जाए, जैसे पुरानी प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसी को सरकार लागू करे। इस नई प्रक्रिया से हमारे लड़के सहमत नहीं है। बक्सर में युवा रेलवे ट्रैक पर उतर आए। काशी पटना एक्सप्रेस को 10 मिनट तक रोक कर रखा। सेना में बहाली की योजना ने उनके और अभिभावकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हम लोग जो 2 साल से फिजिकल निकाल के बैठे हुए उससे एग्जाम कीजिए, कैंसिल मत कीजिए एग्जाम। बहुत मेहनत से फिजिकल निकालते हैं, फिजिकल मेडिकल सब निकाल के बैठे हुए और लास्ट में लोग पढ़ाई भी कर रहे 50-60 हज़ार रुपए लगाए हुए पढ़ने के लिए, आज वे एग्जाम कैंसिल हो गए। जब कैंसिल ही करना था तो उसी टाइम क्यों नहीं कर दिया? इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं क्योंकि 4 साल नेता हो या विधायक हो उसको 5 साल विधायक ही करने को मिलता है। हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। चलो भरे भारतीय सेना में बहाली की अग्निपथ योजना के फायदे तो गिनाए गए हैं लेकिन महज 4 साल की भर्ती ने छात्रों का आक्रोश भड़का दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही लालू प्रसाद यादव आज हाजीपुर कोर्ट में पेश होंगे। आचार संहिता के